हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो मैं दोबारा फिर से आया हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ, टाइम हुआ है 9:05। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो मेरे सामने अभी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे आगे, तो अभी मुझे इस गाड़ी से आगे होना है। तो फिर देखता हूँ इस गाड़ी कहाँ तक जाएगी, इस गाड़ी से मुझे आगे होना है, कहीं मैं यहाँ पर लेट ना हो जाऊँ। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफ़िस के लिए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। ये यहाँ पे पास लेने की भी जगह नहीं है, तो फिर भी टू व्हीलर है तो मुझे यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। देखते हैं कहाँ तक जाता हूँ इसके पीछे पीछे मैं। आई थिंक ये पास में ही जाएगी यहाँ पे ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लगाने की जगह नहीं है। तो आई थिंक ये घूम के जाएगी यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, बिना इंडिकेटर के इसने लेफ़्ट लिया है। तो यही तो होता है जिससे कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, बिना इंडिकेटर के कहीं भी घूम जाते हैं, कहीं गलत इंडिकेटर दे देते हैं। तो गाइस मेरे आगे आगे एक और गाड़ी जा रही है, तो गाइस गाड़ी से मुझे आगे होना है। जैसे मैंने बोला था पीछे, तो मैं यहाँ से गाड़ी से निकल गया, बट ये देखो आगे एक और गाड़ी फंसी हुई है यहाँ पे उसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे। अगर पीछे वाला गाड़ी वाला पीछे को निकले तो ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, नहीं तो यहाँ पे भी खड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ये देख सकती ना वो गाड़ी वाला पीछे हो रहा है, ये आगे हो रही है। देखते हैं वो गाड़ी दे रही है पास को साइड से, मैं भी उसके पीछे पीछे निकल रहा हूँ। पाँच दस मिनट तो सिर्फ गाड़ी वाले ने ही यहाँ पे मेरे बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी वैसे ही लेट, तो यहाँ से और लेट कर दिया इस गाड़ी वाले ने। अब आगे कहीं फाटक ना लगाओ, इस फाटक के आगे मुझे निकलना है, देखना पड़ेगा कहीं अगर फाटक लगाओ तो मैं और लेट हो जाऊँगा यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर गाड़ी निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ से देखो कैसे कट मारते हैं यहाँ पर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बड़े ध्यान से निकलना पड़ता है यहाँ पर। देखा कहीं आगे कहीं फाटक ना लगाऊँ, बस फाटक के पास मैं पहुंचने वाला हूं। बट हाँ, आई थिंक फाटक नहीं लगा है, सभी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ से निकलने में मुझे आसानी रहेगी। तो फाइनली यहाँ फाटक नहीं लगा है, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। ये देखो फाटक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है यहाँ पे, तो जैसे मैं पहुँचा यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई है। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। ये देखो ऑटो वाले कैसे आगे खड़े हुए हैं सामने, यहाँ पे मुझे लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से। बहुत ही रिस्की होता है यहाँ पे, ऑटो वाले कहीं भी रुक जाते हैं। Thank you.
तो मैं बाइक वाले को हॉर्न मार रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट ये बाइक वाला साइड हो ही नहीं रहा था। ये देखो आपके सामने, काफ़ी देर से मैं इसको हॉर्न मार रहा हूँ पीछे से। यहाँ पे भी रेड लाइट हो रखी है, यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे तो कई तो ऐसे है कि बिना रेड लाइट यहाँ पे रुके ही यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, पर फिर भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार अगर रेड लाइट हम ऐसे ही क्रॉस कर लें तो ये दुर्घटना का भी चांस हो जाता है। यहाँ पे बहुत रिस्क होता है, देखो कैसे रिक्शा वाले काम करते हैं। अभी मुझे एक और रेड लाइट क्रॉस करनी है यहाँ पे आगे। चंडीगढ़ में कभी भी आओ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रेड लाइट देखने को, हर जगह चौक चौक पे यहाँ पे रेड लाइटें हैं। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन के मामले में यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पे जो करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ से फिर मुझे यहाँ पे लेफ्ट होना है। यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊँगा तो आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए मैं एक रोड के ऊपर निकल रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड होके। गाड़ियाँ सब इसी रोड पे चलती हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो सभी ऑफिस के लिए निकलते हैं, कोई कॉलेज स्कूल सब यहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, कॉलेज टाइम होता है, ऑफिस टाइम होता है। तो अभी आगे फिर रेड लाइट है यहाँ पे, मेरे सामने आगे रिक्शा चले गए हैं, रिक्शा देख सकते हैं आप। ये देखो अभी यहाँ पे ग्रीन लाइट हो रखी है, कभी भी यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी। तो यहाँ भी देखो येलो लाइट हो गई है, मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये देखो ये रिक्शा कैसे निकल गया है, यहाँ से गाड़ियाँ बाइक भी कुछ ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट हो रखी है। यहाँ पे लाइटें मैनुअली चलाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है, अगर मैनुअली लाइटें अगर खुद अपने ऑटोमेटिक चले तो इतना ट्रैफिक ना होता, बट यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मैनुअल लाइट खुद यहाँ पे चलाई जाती हैं। देखो सारे साइकिल वाले मेरे आगे खड़े हैं यहाँ पे बीच रोड पे, ये बहुत रिस्की होता है यहाँ पे अगर वहाँ। तो फ्रेंड्स अभी तक भी मैं लाइटों पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सभी साइकिल वाले आगे खड़ चुके हैं, बट यहाँ पे जो लाइट है काफ़ी लंबी है। यहाँ पे ये है हल्लू माजरा का चौक जीरकपुर और जो चंडीगढ़ उत्तर रोड जाता है, मैं उसके बीच में खड़ा हूँ यहाँ पे। जो आपको हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, जब भी आप यहाँ पे पहुँचो तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। ये भी मे बी शायद संडे को यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, वैसे अदरवाइज डे यहाँ पे तो ट्रैफिक हमेशा मिलेगा ही। अभी मैं मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे ड्यूटी जा रहा हूँ, ट्रैफिक तो है यहाँ पे क्योंकि सभी टाइम जॉब के लिए जाते हैं, देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है इन लाइटों पे यहाँ पे खड़े हुए, ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट तो रुक गई है, बस समझ नहीं आ रहा है कि लाइट कहाँ की रुकी है कहाँ की नहीं रुकी। ये देखो सभी साइकिल वाले बीच रास्ते में यहाँ पे रोड के बीच में घुस गए हैं सभी के सभी। मुझे लगता है यहाँ पे जो लाइट है ख़राब हो चुकी है क्योंकि चारों तरफ की लाइटें हैं जो इस टाइम रेड हो चुकी हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, कौन सी लाइट ओपन होगी कौन सी नहीं होगी। मेरे पीछे वाले जो बाइक वाले हैं गाड़ी वाले हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे निकल आए हैं, पीछे की तरफ कैमरा मैं घुमा नहीं सकता क्योंकि मैंने कैमरा फ्रंट में किया हुआ है। तो देख सकते हैं उस तरफ की लाइट अभी छूटी है एक तरफ की। सामने वाली जो हमारी लाइट है वो अभी तक रेड है, वहाँ पे चारों लाइटें रुक गई हैं। ये देखो सारे बाइक वाले आगे आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है सभी को यहाँ पे, लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए।
मुझे 10 मिनट हो ही चुके हैं आई थिंक लाइट पे यहाँ पे खड़े हुए। ये देखो सभी आगे आ गए हैं, सभी वाली लाइट वहाँ से निकल गई, गाड़ी वाले वहाँ से निकल गए हैं, साइकिल वाले बीच में घुस चुके हैं, हम आधे रोड के बीच में आ चुके हैं, साइकिल वाले बीच आधे रोड में घुस चुके हैं। ये देखो आप इस तरफ से भी आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, अगर ऐसे रेड लाइट को अगर नॉर्मल चले चलने देना चाहिए तो मैनुअली खुद ही यहाँ पे ट्रैफिक कुछ यहाँ पे चला रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पे ट्रैफिक बीच रास्ते में रुक जाएगा। अब देखो साइकिल वाले सारे बीच में घूम चुके हैं जाके, फिर भी यहाँ पे हमें रोड के बीच में खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखो साइकिल वाले फिर रुक गए वहाँ पे आगे, क्योंकि लाइट का पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी रेड लाइट ओपन होगी कौन सी नहीं होगी, चारों की चारों रेड लाइटें यहाँ पे रुकी हुई हैं, यहाँ पे कोई भी जो रेड लाइट है जो ग्रीन नहीं है इस टाइम, कोई भी कहीं से गुस्सा चला आ रहा है, बाइक तो हो चाहे साइकिल हो चाहे गाड़ी हो, हम तो बीच रास्ते में यहाँ पे खड़े हैं। तो देखो अभी तक भी सामने रेड लाइट नहीं हुई है ग्रीन, तो अभी देख रहे होंगे कि मेरी जो वीडियो है काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग हो चुकी है इसे रेड लाइट के कारण। फिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छी है, हम जाके लाइट चले यहाँ पर यहाँ पे बटन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे डर भी है कि मेरा चलाना नहीं हो बट दिक्कत नहीं है, यहाँ काम कर रहा हूँ, आगे भी रेड लाइट हो चुकी है बट हम निकल रहे हैं यहाँ पे, लग रहा है कि लाइट होंगे तो यहाँ निकल रहे हैं यहाँ से। मेरे सामने जो आगे बाइक वाला उसको देख रहे होंगे किस तरह मेरे आगे खड़ा हुआ है यहाँ पे, किसी का कोई किसी का डर नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ पे बाइक घुसा दो गाड़ी घुसा दो, एक जरा सा भी किसी गाड़ी में क्रोच लग जाए तो चिल्लाएंगे किस पे, जो बेचारा यहाँ पे जो खड़ा होगा जो साइड बगल में, गलती चाहे किसी और की हो। यहाँ पे आगे वैसे ग्रीन लाइट हो चुकी है बट धीरे धीरे यहाँ से निकलना पड़ेगा, देख सकते हो बाइक वाले को आगे मेरे जो कैसे निकल गया और पीछे कैसे बाइक वाला एक मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ देखो आपके सामने, बट यहाँ से मुझे आराम से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डर ही लगा रहता है, इसको कुछ पता नहीं है, से गाड़ी वाला निकल भी गया मेरे सामने से, यहाँ पे भी रेड लाइट हो चुकी है। भाई साहब को यहाँ पे आगे ये देखो बाइक वाला कैसे गए मेरे आगे से निकल गया पिछले दिन से, अपने रास्ता शुरू हो जाता है यहाँ पर काम करता है, फिर गाड़ी वाला कैसे कट मार रहा है मेरे आगे, बट मुझे यहाँ से निकलना है। ये जो भाई साहब मेरे आगे चल रहे हैं इसने काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है लेफ्ट साइड का, बट जाना कहीं हो रहा है, बट इसने जाना तो है बट इंडिकेटर ऐसे दे रखा है कि जैसे मुझे जाना ही इसी तरफ हो, ऐसा आप देख सकते हो आप कैसे निकल रहे हैं गाड़ी वाले हमारे आगे से। तो देख रहे हो आप आगे, तो ये है यहाँ से हम अलांटे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम काम करते हैं, ये अलांटे ऑफिस है जहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनता है, तो यहाँ पे आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक काफ़ी ज़्यादा क्राउड मिलेगा, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है आज थोड़ा क्राउड कम है बट मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होता है। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, तो अभी मुझे जाना है
अच्छी पार्किंग गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है। भाई साहब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहे हैं ये रिक्शा वाले से। दीन धर्म कोई है ही नहीं है कि यहाँ पे पीछे बाइक गाड़ी वाला कोई हॉर्न बजा रहा है। ठीक है देखो मेरे को बीच में से निकलना पड़ रहा है भाई, हटा ले पीछे। ये देखो मैं अभी यहाँ से निकला हूँ पर फर्क कोई नहीं पड़ता चाहे जितना मर्जी बोलो। ये है अलांटे का फ्रंट गेट। ठीक है अभी तो इतना क्राउड नहीं है कि क्राउड 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ही होता है, तो मैं अंदर पहुँच गया हूँ। ये 5 नंबर गेट है, यहाँ पे गार्ड जी खड़े हैं जो यहाँ पे चेक करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे चेकिंग कर ली है, अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग नीचे B1 में जहाँ पे मेरी एक्टिवा लगेगी। तो बस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पार्किंग में बेसमेंट में जहाँ पे सभी 2-व्हीलर यहाँ पे पार्क किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे गैलरी ओपन। तो मुझे अभी यहाँ पे अपनी एक्टिवा पार्क करनी है यहाँ पे सामने। जब भी आता हूँ हमेशा मैं अपनी यहाँ पे पार्किंग यहीं पे लगाता हूँ जब भी मैं ऑफिस आता हूँ यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है, अभी मुझे यहाँ पे ऑफिस जाना है। ठीक है गाइस तो मिलूँगा अब आगे मैं जब मेरी यहाँ से छुट्टी होगी तब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस बाय बाय टेक।